हाँ जी, सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कोई मॉडिफिकेशन या मेरी बाइक की बात नहीं करने वाले। आज मैं बात करूंगा मैं कौन सा व्लॉगिंग सेटअप यूज़ करता हूं, कौन सा माइक यूज़ करता हूं, और माइक मैंने कैसे फ़िक्स किया अपने हेलमेट पर, और कैमरा कैसे फ़िक्स किया अपने हेलमेट पर, मैं आपको सारा बताऊँगा इस वीडियो में। सो बने रहना। सबसे पहले हम रीफ्यूलिंग करा लेते हैं बाइक की, क्योंकि बाइक में जो है पेट्रोल की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। सो गाइस, रीफिलिंग जो है वो डन हो चुकी है। सो अभी बात करते हैं वीडियो के बारे में। सो आप देख सकते हैं गाइस, अभी हमारी स्पीड है 70 की। सो सबसे पहले स्पीड टेस्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे माइक फिट करना है हेलमेट में, उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो इसके बाद में इसके साथ ही अटैच करूँगा मैं। सो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ इस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। फिर हम इसका एक पहले स्पीड टेस्ट करेंगे, उसके बाद 70, 80 या 100 की स्पीड पे हम टेस्ट करेंगे कि माइक में नॉइज कैसी आती है। सो गाइस, ये है मेरा हेलमेट जो मैं स्टड्स का थंडर यूज़ करता हूँ, जो मैं कुछ समय पहले ही परचेज किया था। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोई माउंट लगाया नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक दूसरा माउंट यूज़ करता हूँ जिप टाई वाला, वो मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में। और यहाँ पर मैंने माइक लगाया हुआ है ऐसे कुछ, और इसकी सारी वायरिंग जो है वो सारी इसके अंदर ही है हेलमेट के, खोल के इसके नीचे मैंने सारी वायरिंग की हुई है। तो ठीक है गाइस, ये हमारा माइक का सेटअप हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने हेलमेट पर कैमरा माउंट करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ। सो गाइज, ये एक एक्शन प्रो का प्रोडक्ट है, इसे चिन माउंट बोलते हैं, चिन हेलमेट माउंट, और ये यहाँ पर सामने लगता है। और इसे लगाने के लिए मैंने यहाँ पर नीचे दो कट लगाए हुए हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये जिप टाई से लगता है, अगर हम जिप टाई यहाँ लगा देंगे तो जैसे अंदर की तरफ हो जाता है, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये पहले काफ़ी लूज़ हो चुका है, क्योंकि पहले मैं ऐसे यूज़ करता था, इसके ऊपर ही लगा देता था। वैसे गाइज, ये चिन पर जो जाली लगी हुई है, इसकी हेल्प से ना हमारे जो माइक में इतनी ज़्यादा विंड नॉइज नहीं आती। सो आप भी ऐसे ही करना। और अभी देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है माइक, और सॉरी चिन माउंट, या नीचे से मैंने ये दोनों जिप टाइज की निकाली हुई है और यहाँ पर मैंने लगा दी है। और मेरा माइक जो है वो थोड़ा साइड पर है, अगर आप एकदम फेस के सामने जो माउथ के सामने माइक लगाएंगे तो आवाज़ फिर वो फटी फटी आएगी। और ये है मेरा GoPro Hero 9, और इस पर मैंने एक ये कवर लिया था Amazon से, अराउंड 1100 का पड़ा था, और ये इस कंपनी का है। और इसके नीचे जो है वो माइक अडेप्टर लगा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी इसके बिना आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी। और ये अराउंड 4000 रुपीज़ का पड़ता है ये छोटा सा माइक अडेप्टर। देख सकते हैं यहाँ पर दो पोर्ट दिए हुए हैं, एक हेडफोन जैक के लिए और एक USB के लिए। और यहाँ पर इसके नीचे ये माउंट करने के लिए है, इसके ऊपर ये माउंट हो गए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ना एक कागज़ फंसाया हुआ है, इसकी हेल्प से ना ये आगे को नहीं जाता, नहीं तो ये थोड़ा सा लूज था पता नहीं क्यों, तो ये आगे चल जाता था, इसलिए मैंने यहाँ पर पेपर फंसा दिया। और ऐसा कुछ लगता है माउंट होने के बाद हेलमेट पर वो। सॉरी गाइस, मेरे पास अभी ट्राईपॉड नहीं है, और वीडियो भी मैं अकेले ही बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ रहा है। सो आगे लगा कुछ ऐसे लगता है ऊपर से और नीचे से भी। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर कैसे जो है माइक फिट किया है, ये आप देख सकते हैं मैंने पहले जो है माइक फिट किया हुआ है। सो ये गाइस, फिट करना माइक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपके पास कौन सा भी हेलमेट होगा उसके जो ये पैडिंग है जैसे रिमूव हो जाती है साइड से, आप देख सकते हैं जैसे मेरे हेलमेट की हो रही है। अगर आपके पास थंडर है तो आप सेम ऐसे ही मतलब निकाल सकते हैं पैडिंग। और इसके नीचे देखिए मैंने वायर लगाई हुई है, और ऐसे ही हम सारी पैडिंग जो है वो रिमूव कर देंगे। सो ऐसे जो है वो एक साइड की पैडिंग वो सारी बाहर आ जाती है, ये हमें जो ये टाई है हमें यहाँ से बीच से निकालनी पड़ेगी, उसके बाद जो है ये सारा जो है हमारे हाथ में आ जाएगा। ऐसे ही जो है वो दूसरी साइड का आएगा, आप देख सकते हैं ऐसा है कुछ, ऐसे हमने दूसरी साइड का निकालना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से निकाल दिए हैं, और आप नीचे से देखिए मैंने कैसे वायरिंग की हुई है। और इसे भी हम जो है ऐसे जो है यहाँ पर लॉक लगे हुएंगे, हम ऐसे उतार देंगे,
सारा, और ये सारी जो है वायरिंग की हुई है हम मैंने नीचे, और इसके सामने की तरफ से निकालने के लिए ये कपड़ा यहाँ पर फंसाया होगा, इसे भी हम ऐसे ही खींच देंगे नीचे की ओर, और ये सारा जो है वो निकल जाएगा। आपको गाइज हेलमेट में माइक लगाने के लिए सारी पैडिंग अंदर की निकालनी पड़ेगी, तभी जो है वो माइक अच्छी तरह से लगेगा। ये देखिए ये ऐसी कुछ हेड सी होती है, ये निकल आती है बाहर, इसे हम थोड़ा साइड में रख देते हैं, और इसके नीचे देख सकते हैं ऐसे कपड़ा लगा होगा, इसे भी हम निकाल देंगे। ये डबल टेप से पता नहीं क्यों चिपका हुआ था नीचे, और ये सारी मैंने वायरिंग की हुई है हेलमेट की, आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे होती है। जब आप गए सारा कैमरा खोल लेंगे तो पहले आप हेलमेट पर ऐसे माउंट कर ले अपना कैमरा, और उसके बाद जो है वो अपनी माइक की तार अंदर लगानी शुरू करें। मैं ये एक डक टेप का यूज़ कर रहा हूँ जिससे ये थोड़ा अच्छी तरह से माइक फिट हो जाएगा। सो आप पहले सोच रहे होंगे मैंने पहले कोई और वायर लगाई हुई थी, अब मैं कोई और माइक लगा रहा हूँ, वो पहला माइक मेरा ख़राब हो गया था तो अब मैं ये दूसरा माइक लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी वायर भी छोटी है, अगर जितनी आपकी वायर छोटी होगी उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा माइक को फिट करना और ईजी रहेगा। और अब गाइज आपसे मिलते हैं ब्लॉगिंग सेटअप में, क्योंकि सो आपने गाइज इंस्टॉलेशन देखी माइक की कैसे करनी है, ईजी है गाइज, इतनी दिक्कत नहीं है, बस आपकी माइक की जो केबल है वायर वो छोटी होनी चाहिए तो वो अच्छी तरह से आराम से लग जाएगी। सो अभी बात कर लेते हैं विंड ब्लास्ट के बारे में कि विंड ब्लास्ट से कितना ज़्यादा फेस होता है कि नहीं। सो अभी मैंने एक बैनिंग कलावा जो आता है वो पहना हुआ है, सो जिसकी हेल्प से थोड़ा सा जो है आवाज़ थोड़ी फिल्टर होकर आती है, सो आप ये भी जो है ध्यान में रखना। सो गाइज सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, आप जैसे मैं बोल रहा हूँ आप मेरी बात सुन रहे हैं, अभी मेरी स्पीड जो है वो 80 के अराउंड है, मतलब 80 की है, सो ये एक नॉर्मल स्पीड है क्रूजिंग के हिसाब से, ज़्यादातर जो राइडर हैं वो इतनी स्पीड पर ही क्रूज़ करते हैं। और अब हम आ गए हैं 90 पर, अब आप मेरी आवाज़ देख सकते हैं कैसी आ रही होगी, विंड ब्लास्ट कैसा है। अब हमारी स्पीड हो चुकी है 101, सो अभी आप मुझे बता सकते हैं विंड ब्लास्ट कैसा आ रहा है कैसा नहीं। सो अभी हम स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं 110, 115। सो अभी जो है मैं ज़्यादा ज़ोर लगा कर नहीं बोल रहा हूँ, मैं आराम से बोल रहा हूँ जैसे नॉर्मली मैं बात करता हूँ वैसे बोल रहा हूँ। सो अभी थोड़ी सी स्पीड को और बढ़ाते हैं 120 तक लेकर जाते हैं, 120 आ गई है, 120 पर कांस्टेंट रखते हैं ऐसे, आप मेरा विंड सुन सकते हैं विंड ब्लास्ट कितना आ रहा है। सो इस रोड पर 120 रखना थोड़ा रिस्की है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है रोड पर। सो अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुन रही होगी क्योंकि विंड ब्लास्ट जो है हेलमेट के अंदर बहुत ज़्यादा आने लग पड़ा है। अब हम थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं 130 पर देखे विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है भाई। सो अभी हम स्लो कर लेते हैं, यहाँ से मैंने अभी यू टर्न लेना है। सो गाइस गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो आपने देखा गाइस सारी स्पीड पर आवाज़ कैसी आ रही थी, सो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आवाज़ कैसी आ रही है, विंड ब्लास्ट ज़्यादा है या नहीं, और आपको मेरा सेटअप कैसा लगा। गाइस अभी जो मैंने माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं वो इतना हाई क्वालिटी का नहीं है, और अगर हम इसमें पावर्ड माइक यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि वो जो है नॉइज़ कैंसलेशन अच्छी तरह से कर देता है इसके मुकाबले में। सो अभी गाइस गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, मेरा तो घूम के सिर दुखने लग पड़ा है क्योंकि मैं बहुत से दिन हो गया है मैं बाइक अपनी निकाल नहीं रहा हूँ घर से, राइड पर भी थोड़ा कम जा रहा है। अगर आपको इसका रीज़न पता करना है तो आप मेरी
डिसएडवांटेजेस ऑफ अपाचे देख सकते हो। और उस सो आज की वीडियो गाइस यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको ऐसी बढ़िया सी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइस ध्यान रखना, बाय बाय।